एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर घंटे एक स्टूडेंट आत्महत्या करता है। क्या इसकी मुख्य वजह एग्जामिनेशन फेलियर है? एक कहानी है एक पिता की, एक छोटी सी फैमिली, एक बेटा, एक बेटी, वाइफ, सब खुश है। हालांकि बाहर की खुशी से अंदर के वातावरण का पता लगाना कई बार मुश्किल भी हो जाता है और कई बार माथे की लकीरें ये बयां भी कर देती हैं। इस घर सब खुश थे, संभव है किसी की परेशानी कोई ना देख पा रहा हो, हो सकता है छोटी बातें नज़रअंदाज भी की जा रही हो। एक दिन पिता घर लौटते हैं और देखते हैं बेटे का रूम अंदर से लॉक है। खटखटाते हैं, ना जवाबदेही पर घबराते हैं और दरवाज़ा तोड़ने का निश्चय करते हैं। दरवाज़ा टूटता है, अंदर जाते हैं और वो वहाँ कुछ नहीं पाते बल्कि अपना सब कुछ खो देते हैं। जी हाँ, यस, ही फाइंड हिज सन हैंगिंग। रह जाता है तो सिर्फ ख्वाहिशों का, शिकायतों का, दुनिया की सच्चाई का एक पन्ना। अप्रैल को आत्महत्या कर ली। ऐसा लगता है कि ऑफिस बंद हो जाए तो मुझे इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप करना चाहिए किसी काउंसलर या किसी साइकेट्रिस्ट से, ये चीज पहचानने के लिए कि मेरा मन का मोच हुआ है या मन का फ्रैक्चर हुआ है। अभी मैं काफी मजबूत हूँ पर कभी कभार सोचता हूँ मजबूती मेरी सिर्फ जिम्मेवारी से है, मैं परिवार को मुझे और मजबूत बनाना। मिलती है सबसे मनहूस खबर। आपको बता दें, खबर अपने लाडली की खुदकुशी की होती है। ये दर्द किसी एक घर का नहीं, ऐसे दर्जनों किस्से हैं जहां उम्मीदों और सपनों की उड़ान के बीच में ही दम टूट जाता है। अपने प्रियजनों को खोने का दुख लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है,
और जब कोई दुनिया से हार कर अपनी जान खुद ले लेता है तो इस दुख की सीमा को मापना नामुमकिन हो जाता है। हर साल लगभग 8 लाख लोग पूरे विश्व में सुसाइड कमिट करते हैं, जिसमें से 1.5 लाख भारतीय होते हैं, और इन 1.5 लाख में से 90,000 यंग एडल्ट्स होते हैं, जी हाँ नौजवान, और इन 90,000 में से 10 से 12 हज़ार होते हैं स्टूडेंट्स। हर घंटे भारत में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। क्या है इसका रीज़न? क्या इसका मेन कॉज एग्जामिनेशन फेलियर है या कुछ और? इसको जानने से पहले कुछ स्टैट्स देखते हैं। सन 1995 से 2020 तक टोटल 1,80,000 स्टूडेंट्स सुसाइड किया है भारत के अंदर। अगर हम इस डेटा को ओवर द ईयर्स एनालाइज करें तो ईयर बाय ईयर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और इन द रिसेंट पास ईयर्स ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है। सन 1995 से सन 1999 तक टोटल 27,359 स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया। सन 2000 से 2004 तक 27,880 केसेस सामने आए विद 2% इंक्रीमेंट। अगर 2005 से 2009 तक देखें तो टोटल 30,064 केसेस सामने आए, और रिसेंट पास्ट ईयर्स का डेटा हमको हिला के रख देता है। सन 2015 से 2019 तक 27% का इंक्रीमेंट इन केसेस में हुआ है। सन 2015 से 2019 तक टोटल 48,537 स्टूडेंट सुसाइड के केसेस सामने आए हैं, विच इज़ नो डाउट सो अलार्मिंग। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेस सामने आते हैं, और मेट्रो सिटीज़ जहाँ पर लग्जरी लाइफ के सपने लेकर लोग वाग रहने जाते हैं, इन मेट्रो सिटीज़ के अंदर सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और भी कई मेट्रो सिटीज़। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार 7.4% ऑफ ऑल सुसाइड्स आर कमिटेड बाय स्टूडेंट्स इन इंडिया। इतनी कच्ची उम्र में क्या वो रीजंस हैं कि ये इतने विवश हो जाते हैं और दो पल जीना भी ठीक नहीं समझते? मुझे नींद कम हो गई कुछ दिनों से, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस बंद हो जाए तो मुझे इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप करना चाहिए किसी काउंसलर या किसी साइकेट्रिस्ट से, ये चीज़ पहचानने के लिए कि मेरा मन का मोच हुआ है या मन का फ्रैक्चर हुआ है। मोच और फ्रैक्चर उस व्यक्ति पहचान नहीं सकते हैं, वो डॉक्टर पहचान पाते हैं। और इसका इलाज है, छोटे से बच्चे 8-10 साल के बच्चों को भी उदासीनता हो सकती है। आजकल सभी मानसिक रोगों की उम्र कम होती जा रही है, परेशानी से गुजर रहे हैं और आपके मन में आत्महत्या का ख्याल आ रहा है और आपको मदद की जरूरत है, तो आप फौरन वांद्रे वाला फाउंडेशन की हेल्पलाइन पे फोन करिए, वो आपकी मदद करेंगे। उनका नंबर और ईमेल इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आप अपनी पहचान, अपना नाम भी गुप्त रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू NCRB द मेजर कॉज फॉर स्टूडेंट साइट्स आर एल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, लव अफेयर्स, फेलियर इन एग्जामिनेशन और फॉल इन सोशल रेपुटेशन। और भी कई रीजंस हैं बट ये मेजर है, और अनफॉर्चुनेटली फेलियर इन एग्जामिनेशन भी एक मेजर कॉज है। एग्जाम में फेल होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं, क्रिमिनल समझने लगते हैं, अपने माँ बाप को, सोसाइटी को, रिलेटिव्स को कैसे मुंह दिखाएंगे ये सोचने लगते हैं, और ये सब तर्क बेबुनियाद है जब तक आपके माँ बाप, सोसाइटी और रिलेटिव्स ने आपके ऊपर कोई प्रेशर ना क्रिएट किया हो। अकॉर्डिंग टू 1998 डेटा, 41% ऑफ ऑल स्टूडेंट सुसाइड्स वर ड्यू टू एग्जामिनेशन फेलियर। अकॉर्डिंग टू
2018 डेटा, दैट इज द रीसेंट डेटा, इट डिक्रीजेस टू 26%, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. बट आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि 2020 रिकॉर्ड्स हाईएस्ट स्टूडेंट सुसाइड रेट. और इसका रीज़न नो डाउट कोविड तो है ही, बट इसका एक और रीज़न है ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन के संग स्टूडेंट्स कोप अप नहीं कर पाए. रीजंस हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस. कोटा, जिसे कोचिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है, एक हब है स्टूडेंट सुसाइड का. 2017 में 45 स्टूडेंट ने कोटा में सुसाइड करी. हैंगिंग अकाउंट्स 45.6% ऑफ ऑल सुसाइड्स इन इंडिया. अदर वेज आर जंपिंग फ्रॉम रूफटॉप, पॉइजन एक्सेट्रा. इंडिया टीवी के एक रिपोर्टर से बात करते हुए आशनी ने अपने पहले एंटी सुसाइड फैन के बारे में बताया, जिसको उन्होंने स्मार्ट फैन का नाम दिया. आशनी वॉज इंस्पायर्ड टू क्रिएट स्मार्ट फैन आफ्टर द डेथ ऑफ इंडियन मॉडल नफीसा जोसेफ इन 2004. उन्होंने एक ऐसा पंखा बनाया जिसमें इनर पाइप में एक जॉइंट विथ अ मैकेनिज्म है. व्हेन अ वेट ग्रेटर देन 20 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द फैन, द स्प्रिंग इन द फैन अनलैचेस, लोअरिंग द इंडिविजुअल टू द ग्राउंड सेफली. बायोमेट्रिक स्कैनर्स भी एक फिजिकल सॉल्यूशन है सुसाइड प्रिवेंशन के. बट सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट विक्रम पटेल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल मेडिसिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उन्होंने बताया बायोमेट्रिक स्कैनर्स या फिर स्मार्ट फैन और एंटी सुसाइड फैन कैन ऑनली स्टॉप इमीडिएट लॉस ऑफ लाइफ. बट जब तक जो अंडरलाइन इश्यूज हैं, जो रूट कॉज हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये फिज़िकल प्रिवेंशंस, ये फिज़िकल सॉल्यूशंस की इफ़ेक्टिवनेस लिमिटेड है. हमें जो रूट कॉज हैं इनको ख़त्म करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. यस, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री. व्हाट इज़ द अंडरलाइन इश्यूज, व्हाट इज़ द रूट कॉज फॉर these suicides. Do you get my point? Mental health, depression, anxiety, stress, bipolar disorder, society ka nazariya, hamara nazariya, aapka nazariya, mera mindset, hum sab ka mindset, ye hai root cause in suicides ka. और आज हमें प्रण लेना है इसी माइंडसेट को चेंज करने का. आज हमें एक दूसरे से वादा करना है कि किसी भी स्टूडेंट को उसके मार्क्स के बेसिस पर जज नहीं करेंगे. मार्क्स से 100 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किल. इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उस काम को करने की स्किल नहीं होगी तो फिर मार्कशीट में फुल मार्क्स से भी कुछ फ़ायदा नहीं है. एक और रूट कॉज देखते हैं इन सुसाइड का. अकॉर्डिंग टू 2012 Lancet report, suicide is second leading cause of death among young Indians. Despite this, iske bawajood, India only spend 0.06% of its health budget on mental health. Jabki jo developed nations hain, wo apne health budget ka 4-5% मेंटल हेल्थ पे खर्च करते हैं. ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और हमें सोचने पे मजबूर करता है. इंडियन पिनल कोड 306 आईपीसी 306 अवेटमेंट ऑफ सुसाइड में सर्वाइवर को इम्प्रिजमेंट एंड फाइन की पनिशमेंट है. तो अगर आप ऐसा कोई गलत कदम उठाते हैं तो आपको ये सज़ा हो सकती है. फाइनल वर्डिक्ट, सबसे पहले तो हमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनको एज अ नॉर्मल इलनेस ट्रीट करना है. ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है. हर दूसरे से तीसरे इंसान को ये डिसऑर्डर्स होते हैं. यस, यू हियर इट राइट, हर दूसरे से तीसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है. सोसाइटी का, हमारा, आपका, मेरा जजमेंटल माइंडसेट है. सबसे पहले ये बात हमको एक्सेप्ट करनी है.
सोसाइटी ने हमें ये माइंड सेट, ये नज़रिया वसीयत में दिया है, हमारे रगों में इसी का खून दौड़ता है, दूसरों को जज करने का, दूसरों की भाषा, बोली, पहनावा, मार्कशीट, इन सब से हम दूसरों को जज करते हैं। इसी नज़रिए को आज हमें बदलना है। एग्ज़ाम में फेल होना अच्छी बात नहीं है, गलत है, बट एग्ज़ाम में फेल होने के बाद हमें सीखना है और डिसाइड करना है कि वो एग्ज़ाम हमारे लिए था या नहीं था। नहीं था तो स्विच करना है, था तो और मेहनत करनी है, बट वो एग्ज़ाम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। इस जजमेंटल माइंडसेट को, नज़रिए को ही हमें चेंज करना है। मैंने अपना नज़रिया बदलना शुरू कर दिया है, अब आपकी बारी है।